हेलो एवरीवन फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आप सभी लोगों का हमारे चैनल केमिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सभी को जय स्वामीनारायण मेरी तरफ से। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा बढ़िया गैजेट्स के बारे में, मतलब जो बहुत टेक्नोलॉजी से परे है, आज के जमाने सभी को बहुत काम आता है, तो इसी के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना फ्रेंड, ताकि आगे भी और भी वीडियो ऐसे मजेदार होने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही मेरे चैनल पर ज्यादा 81% लोग हैं जो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो उसके और जो सब्सक्राइब किए हुए उसके लिए तो बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ H96 मैक्स सेटअप बॉक्स के बारे में। तो अगर आपके पास घर पर डिब्बा टीवी भी है तो भी इसमें सपोर्ट करेगा। तो इसी के लिए मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे अपने डिब्बा टीवी में स्मार्ट टीवी बनाना है, डिब्बा टीवी को स्मार्ट टीवी कैसे बनाना है। लाइव प्रूफ आपके सामने टीवी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। अगर आपके घर पे वाईफाई भी है तो भी वाईफाई है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वाईफाई को ही ये एनेबल सपोर्ट करता है। तो वाईफाई होगा तो ये आपको ऑनलाइन सभी जो एप्स है सभी आपको ये बॉक्स पर मिल जाएगी, और ऐसे ढेरों सारी चैनल्स भी है जो आपको फ्री में HD में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बॉक्स का नाम है H96 मैक्स, जो कि मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। और इस बॉक्स को आप खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको प्राइस बताऊंगा लास्ट में, और आपको रिव्यू बताऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बने रहेगा पूरे वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग के बाद आपको दिखाऊंगा लाइव टीवी में कनेक्ट करके दिखाऊंगा, डिब्बा टीवी में बॉक्स को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। बॉक्स में कनेक्ट करने के लिए आपको HDMI to AV कन्वर्टर चाहिए होगा, तो उसके पहले लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वो भी आप जाके खरीद सकते हैं। वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं चीज यूज करने वाला हूँ, जो भी गैजेट्स यूज करने वाला हूँ अपनी टीवी में कनेक्ट करने के लिए, वो आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्स। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, तो आपको भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा। तो सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट करके अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। मैं इसका प्राइस भी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये ऐसा बॉक्स हमें मिल चुका है फ्रेंड्स, जल्दी से इसको करते हैं ओपन, और ओपन करके आपको अनबॉक्सिंग इसका दिखा देता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, इसका 2GB रैम और 60GB इसका मेमोरी है। तो ये आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या क्या यूज होता है, आपको कैसे इसमें टीवी में कनेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टीवी बॉक्स, यहाँ पे 4K की ब्रांडिंग दी जाती है UCD, और यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाता है 3840x2160, तो इतना HD तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा इसका मेमोरी कार्ड और रैम दिया गया, और यहाँ पर टीवी बॉक्स मल्टीमीडिया गेटवे लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टीवी बॉक्स मल्टीमीडिया गेटवे इंटरनेट टीवी, और यहाँ पर लिखा है CPU 64-bit HDV CPU 4-core और 4K को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए, वो मैं आपको आगे इस बॉक्स में बताऊंगा। ये मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, और यहाँ पे साइड में भी आपको 4K की ब्रांडिंग दी जाती है। वैसे बॉक्स तो बहुत बढ़िया है, इसकी पैकिंग तो वैसे बहुत बढ़िया है। चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन, और ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बॉक्स। तो यहाँ पर ऐसे इसको प्लास्टिक की रैपर में पैक किया हुआ, इसको अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं कंटेंट इसमें क्या क्या है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये रिमोट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये इसका रिमोट है, इसमें आपको अपने सेल डालना है। और यहाँ पर ये पावर अडेप्टर आपको
दिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये HDMI केबल साथ में मिल जाता है और यहाँ पर आपको यूजर गाइड भी मिल जाता है। तो आपको यूजर गाइड पढ़नी है तो आप यूजर गाइड भी पढ़ सकते हैं। वैसे इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो चलिए मैं आपको सब कुछ अभी डिटेल्स में बता देता हूँ। इसको अभी हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि हमें यहाँ पर इतने कंटेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MX Cube Pro 5G 4K। तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं, अपने प्लास्टिक के रेपर को अभी निकाल लेते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या कैसे कनेक्ट करना है। ये 5G को भी सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स है ये बॉक्स, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। ये प्लास्टिक बॉडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं MX Cube Pro 5G की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर साइड में आपको थ्री यूएसबी कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप USB मेमोरी कार्ड से, OTG से मेमोरी कार्ड चलता है, पेन ड्राइव भी चलता है और यहाँ पर आप सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको वाईफाई का इथरनेट केबल है वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको पावर अडेप्टर कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको HDMI मतलब जो आपको इस वीडियो में टॉपिक है कि डिब्बा टीवी को स्मार्ट टीवी कैसे बनाए, तो यहाँ पर आपको इसी वीडियो में इसी पिन को यूज करना होगा। सो गाइस, इसी पिन को हम यूज करके डिब्बा टीवी को स्मार्ट टीवी बनाएंगे, वो कैसे, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर USB पिन आपको और एक मिल जाती है और यहाँ पर ऑडियो वीडियो कन्वर्टर भी आपको मिल जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा इसका बॉक्स है। तो चलिए मैं अभी आपको इसको टीवी में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा बॉक्स है हमारा। ये बॉक्स को अभी हम सबसे पहले अडेप्टर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं जो हमें बॉक्स के साथ मिला था वो। तो सबसे पहले अडेप्टर को यहाँ पर प्लग में डालते हैं और देखते हैं, और इसको हमें यहाँ से कनेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ आपको यहाँ पर एक पिन मिलेगा, वो जो अडेप्टर का हो उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। और फिर आपको वहाँ पर जो ये HDMI हमने मंगवाया था, HDMI टू AV कन्वर्टर, तो उसको हमें लगा के देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें USB से इसको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर USB अडेप्टर हमारे पास है, उसमें कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद आपको जो ऑडियो वीडियो पिन आती है, जो तीन पिन आपको टीवी में लगानी है और तीन पिन आपको इस HDMI टू AV कन्वर्टर में लगानी है, तो जो भी कलर होगा वैसे आपको इसमें लगा देनी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं जल्दी से, और लगाने के बाद आपको यहाँ पर HDMI केबल यहाँ पे आप इसको ऑन रखना है आपको, और टीवी का जो पिन है वो भी हम लगा देते हैं यहाँ पर। ये टीवी का पिन है जो हम लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फाइनली सेटअप तो हो गया, अभी HDMI केबल लगा देते हैं। तो ये रहा हमारा HDMI केबल जो हमें बॉक्स के साथ ही मिला था। तो एक हमें इसमें कनेक्ट करना है और दूसरा पार्ट है जो उसमें, वो यहाँ पर हमें इनपुट में डालना है, तो इनपुट में यहाँ पर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा सेटअप हो चुका है, बस इतना ही करना है हमें। तो अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके आपके सामने लाइव दिखा देता हूँ ताकि कोई भी कट नहीं है फ्रेंड्स, आपके सामने जो भी हो रहा है आपके सामने सब कुछ हो रहा है। तो टीवी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा रिमोट, तो हमने इसमें सेल डाल दिया है पहले से, तो आपको सिर्फ सेल डालना होगा इसमें। तो अभी टीवी के रिमोट से हम ऑडियो वीडियो स्टार्ट कर दिए है, तो ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये लाइटिंग का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो फोन से शूट हो रहा है, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए माफ़ कर देना आपको। सब जो भी हो रहा है यहाँ लाइव हो रहा है, मैं कोई कट नहीं लगा रहा हूँ, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दे सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा फ्रेंड्स। तो कुछ आपको ऐसा यहाँ पर लिखे हुआ आएगा, एमबॉक्स मेक योर लाइफ कलरफुल। तो एक एमबॉक्स एंड्रॉयड स्मार्टफोन कहा जाता है, सबके पहले आपको एंड्रॉयड लिखा हुआ आएगा, बाद में एमबॉक्स लिखा हुआ आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मैं अभी थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स ये हमारा ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टार्ट होते ही।
तो सबसे पहले आपको ऐसे मूव करने के लिए जो अप डाउन बटन है उसका इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए मैं आपको नीच के नीचे जाकर दिखाता हूँ, जो प्लस का बटन है यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, प्लस का बटन, उस पर क्लिक करते हैं, उस पर आपको ओके करना है। ओके करते आपको नीचे यहाँ पर बहुत सारी एप्स दिख जाएगी, एप्लीकेशन यहाँ पर आपको बहुत सारी दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पर प्ले स्टोर है, हमने हॉटस्टार भी इसमें डाउनलोड कर लिया है, तो वो डाउनलोड कैसे करना है वो भी आपको अब आगे बताऊंगा। सो गाइस, आपको यूट्यूब भी यहाँ पर दिख जाएगा और नेटफ्लिक्स भी हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। तो अभी हम यूट्यूब को ओपन करके देखते हैं और आपको दिखा दे कि सब फाइनली ओपन हो रहा है। सबसे पहले हमें ओपन करने के लिए वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको साइड में सेटिंग दिख रहा होगा, राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स लिखा हुआ है। कोई लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है फ्रेंड्स, बाकी आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन है नेटवर्क का उसमें चले जाते हैं। उसमें चले जाने के बाद आपको जो नेटवर्क है, जो भी वाईफाई का नाम इश्यू जो हो उसमें आपको पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ से पहले ही कनेक्ट करके रखा हुआ है जो कि, तो चलिए फ्रेंड मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ कि ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पर हमें वाईफाई भी ऑन दिखा रहा है और फुल दिखा रहा है, फुल जो हमारा वाईफाई नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हम यहाँ पर इस रूम में वाईफाई है इसलिए। तो अभी यूट्यूब को ओपन करके देख लेते हैं। तो गैस हमारा यूट्यूब अभी ओपन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका पूरा लोगो हमें देखने को मिल जाएगा। तो आपका जितना वाईफाई स्पीड स्पीडी होगा उतना ही आपको जल्दी से ओपन हो जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा वेट करते हैं जब तक ओपन होता है। तो गाइस हमारा यूट्यूब भी ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यूट्यूब आप सभी नीचे जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं, यूट्यूब पे जैसा आपको दिखा रहा है सेम टू सेम इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाएगा, और कुछ भी आपको डिफरेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, सेम टू सेम वही आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर आपको सर्च का बटन मिल जाएगा और नीचे होम पेज आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आप सर्च करना चाहे सर्च कर सकते हैं। वैसे इसमें थोड़ा फॉल्ट है कि आप अपर माइक यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा इसमें क्योंकि रिमोट के माइक सपोर्ट नहीं करता। अगर आप कोई और रिमोट खरीद के अगर इसके साथ कनेक्ट करते हैं एमबॉक्स के साथ तो आपका माइक भी चल सकता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर प्ले स्टोर भी दिखा रहा है, तो प्ले स्टोर से है हमने हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स डाउनलोड किया है। तो आप भी यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपके टीवी में सपोर्ट होता हो वहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। वैसे इस टीवी में आपको सब कुछ सपोर्ट करेगा, सीआरटी टीवी है या स्मार्ट टीवी है तो और बढ़िया होगा, क्योंकि अभी सीआरटी टीवी मेरे पास है तो इसमें मैंने अभी नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार यहाँ पर कनेक्ट करके रखा है। और वैसे भी यहाँ पर टीवी आपको कोडी ऐप में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आप भी सीखना चाहते हैं कि कोडी ऐप से आप कैसे सभी टीवी चैनल्स देख सकते हैं तो हमें कमेंट करके बताना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगी तो मैं इसके ऊपर भी एक बड़ा सा वीडियो बच्चा बना दूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा, ताकि आपको और कोई ऐप डाउनलोड करनी ना पड़े फ्रेंड्स। तो गाइस आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जो अनबॉक्सिंग करके दिखाया और लाइव कनेक्ट करके भी आपको दिखाया, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आए आपको कनेक्ट करने में तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, या हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टा पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पर जाकर आप मुझे डीएम करके कमेंट कर सकते हैं और फॉलो भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, और यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा होगा, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर, ये भी वो बॉक्स ले सके और कनेक्ट कर सके। अगर इसके पास भी डिब्बा टीवी हो तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आपको ये बॉक्स कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपको बॉक्स कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देना, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय स्वामीनारायण।